स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। आज का जो टॉपिक है वो जो पिछली वीडियो थी उसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको गैलेक्सी के अंदर हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उस पे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैंने उसको डिफाइन किया था। अब उसमें जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को हम वन बाई वन डिफाइन करेंगे। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो सबसे ऊपर हमारा जो पॉइंट है वो है स्टार्स का, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार को बताएंगे। तारा, स्टार क्या किसी से बनता है? सबसे पहले इसको देखिए, जितने भी स्टार्स हैं वो गैस से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड मटेरियल्स हैं जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, तो उस प्रकार से नहीं है। स्टार्स किससे मिलकर बने हुए हैं? गैस से मिलकर बने हुए हैं। एक गैस का पूरा गोला है जो अट्रैक्शन की वजह से अपना एक स्फेरिकल शेप लिया हुआ है, राइट। अब देखें, इस गैस जैसे हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, यानी अपनी एक्सिस पे वो उसका घूर्णन होता है, उसी तरीके से जो स्टार्स हैं उनमें भी रोटेशन होता है, ठीक है। और इनका जो रोटेशन होता है यानी कि घूर्णन, इनमें भी घूर्णन होता है, ठीक है। और ये घूर्णन इनके एक्सिस पर होगा। ये घूर्णन कहाँ होगा? ईस्ट टू वेस्ट, मतलब साइड बता रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये जो है इनका घूर्णन होता है। ठीक है, आप लोग जो है अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि आसमान में रात के समय काफ़ी बहुत सारे ढेर सारे जो तारे होते हैं, तो वो भी हैं। इसके अलावा जो हमारा सन है वो सन भी एक स्टार है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी स्टार की, कि चूंकि इनमें आप जो है रात में देखते हो कि काफ़ी जो है इसमें लाइट रहता है, हमारा सन भी है लाइट प्रोड्यूस करता है, तो एक तो ये हो गया कि दे हैव लाइट एंड ऑल्सो दे हैव एनर्जी, ठीक है। तो लाइट और एनर्जी दोनों चीज़ें इनमें होती हैं, यानी कि वो प्रकाश भी उनमें होता है और ऊर्जा भी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो जो हाइड्रोजन एटम्स थे उनमें रिएक्शंस, यानी कि वो उनमें कोलिजन स्टार्ट हुआ, उस कोलिजन की वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो एक तरीके से उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, यानी कि नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो चीज़ें मिलकर कंबाइंड होती हैं और फिर तीसरी थिंग बनती है और साथ में हीट और लाइट रिलीज होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जब हीट और लाइट रिलीज होगा तो लाइट भी मिला आपको और एनर्जी भी मिला, और इसकी वजह से जो है वो स्टार्स क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो स्टार्स में जो ग्लो होता है, जो शाइनिंग होती है, उसका वजह क्या है, उसका रीजन क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है जो स्टार्स में होता है, नाभिकीय संलयन, राइट। अब हम देखें कि अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो किसी का लाइट कम
एनर्जी कम और किसी में लाइट ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा होगी, ये सिचुएशन भी होगा। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो स्टार्स हैं वो तीन प्रकार से निकल के सामने आते हैं, ठीक है। स्टार्स थ्री टाइप्स के कैसे होंगे? एक तो रेड कलर के, यानी कलर के अकॉर्डिंग अगर हम उनको जो है स्टार्स को अलग अलग डिवाइड करें तो कलर के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के स्टार्स होंगे। स्टार्स अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। अब रंग के आधार पर अगर हमने डिवाइड किया तो ये कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए। अब हम देखें कि जो पहला प्रकार है वो रेड कलर में हो गया, दूसरा वाइट, और जो तीसरा है वो हो गया ब्लू, यानी कि लाल रंग का, सफेद और नीला। ये अक्सर वही लोग देख सकते हैं जो अक्सर, जिनको कभी मौका मिला हो कि खुले आसमान में जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हों, न बारिश हो, न तेज आंधियां हो, न आपको मच्छर काटें, आप नेट वगैरह भी लगा सकते हैं मच्छर से बचने के लिए, आराम से घर के बाहर या खुली छत में लेटिए और उसका आनंद लीजिए। बिल्कुल आप देखेंगे कि जो है आसमान में कई जो है बहुत सारे तारे हैं और उनके कलर अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो रेड कलर का आपको दिखेगा और वाइट कलर और ब्लू कलर का दिखेगा, तो सबका टेम्परेचर अलग अलग है, इस वजह से इनके कलर अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। तो कलर अलग होने का रीजन क्या हुआ? तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। तो जो रेड कलर का होगा वो रेड इस वजह से होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर, ठीक है, उसका तापमान क्या है? कम है। जो वाइट कलर का दिखाई देगा उसका तापमान या टेम्परेचर हाई है, ठीक है, इस वजह से वो वाइट कलर का दिखाई देगा। और जो ब्लू कलर का है उसका टेम्परेचर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला स्टार का कलर क्या होगा, अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाए, तो क्या टिक करोगे आप? ब्लू कलर, राइट। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट में आता है कि स्टार्स के अलग अलग जो कलर हैं उनका रीजन क्या है, क्या वजह है कि उनके कलर अलग अलग होते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर, तापमान, तापमान की वजह से स्टार्स के जो कलर हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम देखें कि ये तो हमने स्टार्स के बारे में बता दिया, अब जो हमारा सन है, सन भी हमारा एक स्टार है, ठीक है, और इसमें भी वही सारी प्रॉपर्टीज होंगी कि ये भी गैस से मिलकर बना है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है। रिवॉल्यूशन अगर आप पूछे तो हम कह सकते हैं कि हाँ रिवॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है पूरा, यानी कि सन और उसके बाद जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके साथ पूरा लेकर ही, वो हमारा जो मिल्की वे है, मिल्की वे का जो पूरा सेंटर है, जो बल्ज टाइप है जिसमें थोड़ा सा उभार है, उस सेंटर के चारों ओर पूरा सोलर सिस्टम ही मूव करता है। तो चूंकि सोलर सिस्टम के बीच में ही हमारा सन भी है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सन में रिवॉल्यूशन भी है,
किसके अलोंग है? गैलेक्सी के, जो हमारा मिल्की वे है, गैलेक्सी है, उसके सेंटर के अलोंग इसका रिवॉल्यूशन है। तो यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों है, ठीक है, इसमें भी रोटेशन रोटेशन भी है और रिवॉल्यूशन भी है, यानी कि परिक्रमण परिक्रमण और परिभ्रमण दो शब्द होते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई चीज बीच में है उसके चारों ओर चक्कर लगाना, ये होता है परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है? यानी कि परिभ्रमण। परिभ्रमण में क्या होता है कि कहीं हिलना डुलना नहीं, अपने जगह पर है और अपने जगह पर ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो ये होता है परिभ्रमण रोटेशन। तो सन में ये दोनों चीजें हैं। अब हम देखें अगला पॉइंट कि एक तो हमारी अर्थ से सबसे नजदीक का स्टार सन हो गया, पूछा जाए कि नियरेस्ट स्टार टू द सन, देन द आंसर विल बी सॉरी नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, द आंसर विल बी सन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन, यानी कि सन के बाद जो होगा वो कौन सा होगा, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, ठीक है, नाम है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। प्रॉक्सिमा ठीक है, तो ये सन के बाद जो हमारा सूर्य है उसके बाद दूसरा ऐसा तारा है, स्टार है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक में है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटावरी। इसको एक बार आप विजुलाइज कर लीजिए, देख लीजिए और जो फ्लो चार्ट बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। अगला हम इसके आगे पढ़ाते हैं कि जैसे हमने स्टार बता दिया, अब सिचुएशन क्या है कि ऐसे बहुत सारे स्टार्स जब एक साथ एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है, पास पास आ जाते हैं बहुत सारे स्टार्स, तो एक तारामंडल बन जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हम आपको तारामंडल ही बताएंगे, कॉन्स्टिलेशन इसको मिटा दे रहे हैं। तारामंडल कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तो तारामंडल यानी कि जब कई सारे तारे एक साथ एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे तारामंडल कहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, लगभग अगर अभी जो नोन है तो टोटल 89 कॉन्स्टिलेशंस हैं, 89 तारामंडल हैं। जो सबसे बड़ा तारामंडल है और छोटा तारामंडल है उसका नाम देख लीजिए, जो सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम सेंटाउरस है, तो ये सबसे बड़ा तारामंडल है, ये सबसे बड़ा तारामंडल है, और जो सबसे छोटा जो है तारामंडल है उसका नाम हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा सबसे जो है छोटा तारामंडल है।
हिंदी में भी नाम यही है, सेंटॉरस और हाइड्रा। कुछ और भी नाम देखते हैं कि हम जान लें, हो सकता है कभी हमारे सामने आए तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि और कौन कौन से कॉन्स्टेलेशंस हैं, तारामंडल हैं। इनके अलावा ये तो मैंने बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन बता दिया, और भी कुछ के नाम आप जो है नोट करिए, जैसे सिग्नस, CYGNUS। सिग्नस हो गया, सेंटॉरस और हाइड्रा वो तो नाम तो था ही, जेमिनी, लियो, ठीक है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, या लिटिल बियर कह सकते हैं। ठीक है, ये सप्तऋषि वाला मंडल है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सप्तऋषि वाला है, बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर, और लघु सप्तऋषि ये जो है उर्सा माइनर। नोट कर सकते हैं इसका हिंदी नाम बृहद सप्तऋषि। और ये लघु सप्तऋषि। ठीक है, तो ये दो चार नाम आपके पास हो गए, पांच नाम यहाँ हो गए, दो नाम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला बताया, तो पांच नाम ये हो गए आपके सामने कॉन्स्टेलेशन का। अब हम देखें कि हमारा जो ध्रुव तारा है, पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार, ध्रुव तारा, पोल स्टार नाम क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो नॉर्थ में होता है। ठीक है, अब आप हमेशा अगर देखें तो जो ध्रुव तारा है यानी पोल स्टार हमेशा ही नॉर्थ की तरफ रहेगा। तो सिचुएशन क्या है कि हमारी जो हमारा जो ग्लोब है यानी कि जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हुआ और ये आपका साउथ पोल हुआ। तो नॉर्थ के साइड में ही, पोल के साइड में ही ये पोल स्टार है। ठीक है, इस वजह से अर्थ भले ही रोटेट कर रही है, उसमें रोटेशन हो रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन हमेशा नॉर्थ में बनी रहती है। जब भी देखेंगे आप तो हमेशा नॉर्थ में देखेंगे, और चूंकि पोल पर है, पोल के साइड में है, इसलिए इसका नाम पोल स्टार है। ठीक है, तो ये जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, ये किस तारा मंडल में है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली आपका उर्सा माइनर या लिटिल बियर कॉन्स्टेलेशन में है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में क्यों होता है, या नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो है लैटिट्यूड्स दे दे कि इनमें से किस तरफ जो है आपका ध्रुव तारा होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल स्टार होगा तो आप क्या बताएंगे, नॉर्थ पोल साइड में होगा, राइट। तो ये कुछ नाम हो गए, नोट कर लिया होगा आपने शायद। अब हम चलते हैं, हमने स्टार बता दिया, कॉन्स्टेलेशन बता दिया, अब हम चलते हैं प्लैनेट्स की तरफ। प्लैनेट्स में देखिए, यानी कि ग्रह,
सबसे जो मेन बात है वो देखें कि प्लैनेट में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें नहीं होता है, जबकि स्टार्स वाले केस में क्या था, हो रहा था, ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स के केस में क्या है, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं तो दो चीजें, ना तो इनकी अपनी लाइट होगी और ना ही इनकी एनर्जी होगी, तो लाइट और एनर्जी इन दोनों का एब्सेंस होगा, ना तो प्रकाश होगा और ना ही इसमें ऊर्जा होगी, ठीक है। तो प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट और अपनी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये हमेशा स्टार्स से ही लाइट और एनर्जी लेते हैं और उसी से इनमें जो भी कुछ शाइनिंग वगैरह होता है उसी वजह से होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप माइंड में रख लें। अब 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ये एक विश्व बिरादरी है एस्ट्रोनॉट के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ है ये, बेसिकली कुछ रूल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और डिसाइड करती है कुछ क्राइटेरिया प्लैनेट्स वगैरह के बारे में। तो इसने 2006 में क्या किया, प्लैनेट्स की डेफिनेशन निकाली, क्यों कि प्लैनेट्स को डिफाइन किया, क्योंकि जो हमारा प्लूटो है, प्लूटो की सिचुएशन क्या थी कि वो अपने नेबर वाले प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस करता था हमेशा, तो इस वजह से प्लूटो को क्या कर दिया, उस सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया और प्लैनेट्स की डेफिनेशन नहीं बनाई। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन कंडीशंस हैं जिनको कि अगर वो फुलफिल करता है तो वो प्लैनेट कहलाएगा, और अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो वो प्लैनेट नहीं कहलाएगा, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है प्लैनेट कहलाने का, वो कंडीशन है, एक मिनट इसको चेंज करना होगा, इसमें इंक कम है इसलिए रेड से काम चलाते हैं। जो पहला कंडीशन है कि उसकी ऑर्बिट सन के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है, उसका जो मूवमेंट है वो सन के अलोंग होना चाहिए, यानी कि अराउंड द सन, ठीक है, सन के चारों तरफ उसका ऑर्बिट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि नियर अबाउट वो सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका आकार किसी भी साइज का हो, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसका जो शेप है वो राउंड शेप होना चाहिए, ठीक है। शेप शुड बी टू राउंड, यानी कि जो उसका आकार है वो लगभग गोलीय होना चाहिए, दूसरे वाला कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो इनके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग होने चाहिए, ऐसा ना हो कि दूसरे वाले ऑर्बिट को वो कट करें,
ठीक है, उनके जो पाथ हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो अलग अलग होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ऑर्बिट्स शुड बी क्लियर्ड, ठीक है, यानी कि जो भी पाथ है वो क्लियर हो, और जो उसका नेबरहुड प्लैनेट है उसके ऑर्बिट को वो कट ना करता हो, ठीक है, उसके रास्ते में ना आए। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होता है तो वो प्लैनेट कहलाएगा, अगर वो कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो उस केस में उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, ठीक है। तो आपको दो डेफिनेशंस क्लियर हुए कि प्लैनेट की जो है डेफिनेशन क्या होगी, तो ये तीन कंडीशंस हैं, अगर फुलफिल होती हैं तो उसे प्लैनेट कहेंगे, और अगर एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल होगा तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, ठीक है। अब हमने पिछली बार सन से बढ़ते हुए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में बताया था। तो थोड़ा सा रेफरेंस वहाँ से लेकर चलते हैं, आपको शुरुआत देते हैं, फिर उन हर एक प्लैनेट्स के बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम देखकर चलते हैं कि प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्लैनेट्स को एक तो इनर प्लैनेट कहते हैं, यानी कि आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल इनर प्लैनेट्स कहिए या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहिए, तो ये जो है या फिर एक नाम और इंटीरियर भी कह सकते हैं, इंटीरियर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहिए, ये तीनों ही नाम एक ही हैं, ठीक है। और जो दूसरा नाम है, तो जैसे हमने यहाँ इंटीरियर या इनर लिया, क्या लिख सकते हैं, आउटर प्लैनेट कहिए या एक्सटीरियर प्लैनेट कहिए या जायंट प्लैनेट कहिए या ग्रेट प्लैनेट कहिए, ठीक है। तो ये सब कई नाम हैं, ठीक है, आउटर प्लैनेट, एक्सटीरियर प्लैनेट, जायंट प्लैनेट, ग्रेट प्लैनेट, ये सब अलग अलग नाम हैं, तो ये सब भी आप कह सकते हैं। या एक नाम और भी है, जोवियन, एक नाम और भी नोट कर लीजिए, जोवियन भी नाम है, यहाँ ना करके यहाँ ही कर देते हैं, JOVIAN, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आएंगे और इसमें कौन कौन से आएंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका मरकरी यानी कि बुध ग्रह, फिर वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फिर मार्स यानी कि मंगल। ये चार प्लैनेट्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर, इनर, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके फॉर्मेशन में
सॉलिड मटेरियल्स का यूज ज़्यादा हुआ है, इस वजह से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का नाम दिया गया है। इनर इसलिए क्योंकि ये टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम हाफ हाफ डिवाइड कर लें, 4 इधर, 4 4 सन की तरफ और 4 सन से दूर, तो ये अंदर पड़ रहे हैं, इसलिए इनर या इंटीरियर नाम दे दिया। और उन 4 मार यानी कि मार्स के बाद बाहर का सारा आउटर या एक्सटीरियर, या चूँकि साइज में काफ़ी बड़े हैं इसलिए ग्रेट या जायंट भी बोलते हैं। और जोबियन इसलिए कि जोबियन जुपिटर जो है आपका है बृहस्पति है उसके जैसे लगभग बड़े आकार में हैं, और लगभग कुछ जो है प्रॉपर्टीज में भी सेम हैं, इस वजह से जोबियन नाम भी दे दिया जाता है। अब अगला इसमें देखते हैं कौन कौन सा आ जा रहा है हमारा। तो पहला हो गया जुपिटर, दूसरा सैटर्न, फिर यूरेनस यानी कि ये बृहस्पति हो गया, ये शनि हो गया, ये यूरेनस यानी कि अरुण, और ये नेपच्यून लास्ट यानी कि वरुण। तो ये 4 जो है आपके ये इस कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। हम देखें कि इनकी जो साइज है, ठीक है, अगर इनका और इनका कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर में दूसरे पेन से लिखूं, कंपेयर में देखें पहले तो आकार साइज देखें, साइज कम है लेकिन इनकी जो डेंसिटी है घनत्व, ठीक है, घनत्व इनका ज़्यादा है, साइज कम है, डेंसिटी यानी कि घनत्व ज़्यादा है, और ये सॉलिड बने हैं, ठीक है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, इस वजह से टेरेस्ट्रियल भी नाम है, सॉलिड से जो है बने हुए हैं, और इनमें कोई रिंग नहीं पाया जाता है, हैव नो रिंग यानी कि छल्ले नहीं है इसमें। तो ये 4 प्रॉपर्टी इसकी हो गई, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा, क्या है कि अगर हम देखें तो ये जो 2 हैं, पहले तो सारे साइज की देख लें, साइज अगर इनका देख लें हम सभी का, चारों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको या तो फिर यहाँ ही कर लें, आकार इनका बड़ा है। अब बड़ा आकार होने के बावजूद इनकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, इन सब की डेंसिटी ज़्यादा है भले ही आकार में छोटे हैं, और इनकी साइज भले ही बड़ी है लेकिन डेंसिटी यानी घनत्व क्या है, कम है। फिर ये सॉलिड मटेरियल से नहीं बने हैं, ये या तो गैस से बने हैं या आइस जो है पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, और इनमें रिंग पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। तो ये 4 कंडीशंस इनमें फुलफिल हो रही है। अब हम देखें कि जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून में कौन सा गैस जायंट है और कौन सा आइस जायंट है, कौन गैस से बना है। तो ये दोनों जो हैं ये गैस से मिलकर बने हैं अधिकतर, यानी कि टोटल नहीं, यानी गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और यूरेनस और नेपच्यून में ये आइस जायंट हैं, आइस की मात्रा ज़्यादा है इसमें, गैस जायंट है और ये आइस जायंट। तो ये प्लैनेट्स के बारे में सारा जो है चीज़ें होंगी गई। अब इनका हम स्टेज एक चीज़ और भी बना देते हैं, लोकेशन पिछली वीडियो में बना था तो उसमें 2 चीज़ें और परिवर्तन करेंगे हम। तो मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम मिटाते हैं। अब इसको समझते हैं एक फिगर से कि हमने ये बना लिया इधर
सन, अब सन से बढ़ते हुए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इन प्लैनेट्स को ले लेंगे। हमने पहले मरकरी ले लिया, शॉर्ट में लिखते हैं मरकरी। फिर मैंने ले लिया वीनस, फिर मैंने ले लिया अर्थ, छोटा था इसलिए पूरा नाम लिख दिया, फिर मार्स, अब देखिए इन चार प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट होती है जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या नाम है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। और इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मिलाकर पार्टिकल्स होते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। इसका नाम क्या है? इसमें तमाम जो है एस्ट्रॉयड्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, धूमकेतु, हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट, धूमकेतु पट्टी, ठीक है। और ये सन से बढ़ते हुए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद, अब ये इनर वाले हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चार प्लैनेट्स हो गए। अब इसके बाहर ये जायंट प्लैनेट्स आएंगे, तो थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। ये हो गया आपका जुपिटर, फिर इसके बाद सैटर्न आएगा, फिर इसके बाद आपका यूरेनस आएगा, फिर उसके बाद नेपच्यून आएगा। इसके बाद फिर एक बेल्ट आएगा, और तो जगह का अभाव हो गया, इस बेल्ट का नाम है क्यूपर बेल्ट, KUPIER, क्यूपर बेल्ट, ठीक है। तो इस क्यूपर बेल्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी बताता हूं। इस क्यूपर बेल्ट में आपको हमने बताया कि नेपच्यून के बाद, उसके बियॉन्ड, यानी कि ट्रांस नेपच्यून जितनी भी चीजें रहेंगी वो प्लूटॉइड्स कहलाती हैं। तो यानी कि इस क्यूपर बेल्ट में वो सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। यानी कि प्लूटो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि प्लूटॉइड्स क्या होते हैं कि ऐसे सारे सेलेस्टियल बॉडी जो नेपच्यून के बियॉन्ड हों, यानी कि ट्रांस नेपच्यून ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज प्लूटॉइड्स, तो प्लूटो तो हो ही गया, उसको भी प्लूटॉइड्स कह सकते हैं। और इसके अलावा प्लूटो के जैसे जितने भी सारे हैं वो भी, तो आप इसमें चाहे प्लूटॉइड्स लिख लीजिए, प्लूटो ऑब्लिक प्लूटॉइड्स। इसके अलावा कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु, ठीक है। और जो अदर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हों, तो प्लूटो या प्लूटॉइड्स हो सकता है, कॉमेट्स यानी धूमकेतु और अदर सेलेस्टियल बॉडीज इस क्यूपर बेल्ट में आ जाएंगे। अब इसके अलावा पूरे सोलर सिस्टम में आपको एक चीज मिलेगा, मीटियोराइड, ये पूरे सोलर सिस्टम में फैले रहते हैं हर जगह, ठीक है, छोटे बड़े हर एक आकार में। और पूरे सोलर सिस्टम के अलावा ये भी चक्कर लगाते हैं, छोटा बड़ा तमाम साइज में रहेगा ये। क्या कहते हैं इसको? मीटियोराइड्स।
यानी कि उल्का पिंड। जो आंखें बंद करके आप विश मांगते हो कि हमारी विश पूरी हो जाए, काश मैं ये बन जाऊं, काश मेरी जो है मुंह मांगी मुराद मेरी पूरी हो जाए। जैसे ही लोग तारा टूटता है मेटेरियल टूटते हैं, तुरंत आंखें बंद करके तुरंत विश मांगने लगते हैं। बेसिकली कोई मुराद नहीं पूरी होने वाली है जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे। ऐसे ही मेटेरियल्स हमेशा टूटते रहेंगे। ये बेसिकली क्या है कि जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, फ्रैक्शन की वजह से उनमें आग लग जाती है और आपको एक जलता हुआ लगता है कि कोई जो है स्टार है वो टूट कर गिर रहा है। ठीक है, बाकी मैंने मेटेरियल्स से पहले बता दिया है। तो ये सारा सिचुएशन आपका सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने प्लैनेट्स का कवर कर दिया है इस वीडियो में। अब हर एक प्लैनेट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो आपके ज्योग्राफी को पढ़ाने में काफ़ी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अधिकतर उन्हीं टॉपिक्स को मैं उठाऊंगा। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। तो अगले वीडियो में हम फिर कवर करेंगे। इसके नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए दोस्तों में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। थैंक यू, गुड बाय।